ये सब फैन है मेरे, सब्सक्राइबर है मेरे, मीटअप, एक छोटा सा मीटअप हो गया मेरे भाई, एक आजा कैमरे में, आजा, एक मीटअप हो गया मेरा, मेरे फैन, अरे अरे लोना डांस कर रहा है, मेरे को देख के खुश हो गया, मेरे को देख के खुश हो गया भाई ये लोग तो, अरे 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 गुड मॉर्निंग गाइस, आज फिर से हम आ चुके हैं अपने पोस्टिंग के लिए, और इतना जल्दी नहीं बोलूंगा टाइम पे आया, क्योंकि जो टाइम दिया था ना मैं आप लोगों ने हमारे को, हम उसी टाइम पे आए हैं, लेकिन कोई नहीं आया आज, मैं आया हूँ, इधर ये बैठी है, उधर बस लगना है, उधर बस लगेंगे, और हम बाहर बैठे हैं बस वेट कर रहे हैं, मतलब बच्चे लोग का आने का, और मैम लोग आएगी जब भी बस खुलेगा, फिर बस में बैठ के निकलेंगे, तो पता नहीं कब तक सब आएंगे, थोड़ा पहले आ गए, पहले नहीं बोलूँगा टाइम पे आए एक्चुअली हम, और वही है कल थोड़ा बोला था टाइम आने के लिए, सब टाइम पे आया था कल, 8:30 पे सब आ गया था, लेकिन बस खुलते खुलते बज गया था, कितना बजा कल 9:30 हो गया था निकल, तो एक घंटा लेट खुला था बस जब सब आया था, तो उसी हिसाब से लगता है मेरे को सब आज अरेंज करेगा, सब आएगा वही 9 बजे के बाद, अभी 3 बच्चा गया हमारे बैच का उधर, और धीरे धीरे सब आएगा, अभी फिर वहाँ चलेंगे, और फिर वही रूटीन है, मतलब मैं दिखाता हूँ आज क्या क्या, मतलब कहाँ वहीं जाऊँगा जहाँ कल गया था, लेकिन आज दिखाऊँगा और क्या सीन है वहाँ पर नहीं है, तो बस सब बस आने का वेट करते हैं, और फिर मिलते हैं बस में, क्या क्या करूँ मैं अब तेरा, चल भाई इतना धूप है, अभी भी 13 दिन और आज छोड़ के आना, कुछ करना पड़ेगा भाई, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सब फैन है मेरे, सब्सक्राइबर है मेरे, मीटअप, एक छोटा सा मीटअप हो गया मेरे भाई, एक आजा कैमरे में, आजा, एक मीटअप हो गया मेरा, मेरे फैन, दिखाऊं इधर अंदर है ये, गुड मॉर्निंग भाई, इधर हाँ हाँ जाते जाते, इसके अंदर घुस गया भाई, इधर से भी रास्ता है, तो देख रहे इसकी मिडिल में जाना है, बता तेरे को इसकी मिडिल से जाना है, कौन सा है तेरा, कौन सा, मैं उधर लिया लास्ट में घुस के, 20 या 21 हाउस था मेरा, इसका अंदर पूरा घुस जाना पड़ता है, मतलब है बहुत सारा घर, अरे अरे लोना डांस कर रहा है, मेरे को देख के खुश हो गया, मेरे को देख के खुश हो गया भाई ये लोग तो, अरे 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 बाद में आता हूँ, बाद में देख मेरा फैंस आ रहा है पीछे पीछे, डांस कर लो थोड़ा, कुछ जब सब लोग खुश हो गया वे, हाँ लेडीज फर्स्ट, अब बोलना, अब बोल लेडीज फर्स्ट, ओए तू थोड़ा धाकर है, तू थोड़ा आगे जा, तू ओए हमारे घर उधर था बच्चे, अगेन सलाम, कल धरी थे ना हम, हाँ भाई धारावी, ये बैंगलोर का धारावी है, मतलब बैंगलोर भी एक अलग सा स्लम एरिया, अलग सा ये तो, हाँ उधर से रास्ता है जाने वाला एक्चुअली, फिर से वही घर कलेक्ट करना पड़ेगा, भैंस के कल एक लिया था, आज भी दो, आज दो लेना पड़ेगा एक्चुअली, क्या हो गया, तो कोई नहीं, वही अलग सा घर ले लेते हैं ना, अलग सा घर ले लेते हैं ना, तो फिर मिलेगा ही नहीं, घर सबमिट करना पड़ेगा कल परसों फॉर्म ना, बोलो तो ये भी बोलती तो हूँ, हाँ बोल के देख, घर बंद है, बोलो किधर मिलेगा, इधर इसके अंदर घुस नहीं सकते ये वाला एरिया में, क्या कल घुसे थे, कल इसके अंदर नहीं गए थे हम, मैं नहीं गया था सिर्फ, अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले एरिया में, मतलब दूसरे वाले स्लम में, रोड के उस साइड एक स्लम है, रोड के इस साइड एक स्लम है, तो मैं इस वाले स्लम पे, अभी घर खोजना है जो खाली, जो ओपन है, जिसका डोर ओपन हो, क्या हो गया, क्यों ओके
है कोई घर में? करो एक तो स्लम है, ऊपर से लैंग्वेज दिक्कत है, कोई अलाउ नहीं करता मतलब ऐसे बात बात करने के लिए, और कोई अलाउ भी नहीं करता कि हम उससे बात करके कुछ उसका हिस्ट्री ले, उसके बारे में जाने। पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, अभी फिर भी बात कर रहे, एक घर मिला है अभी। मैं इधर रूटीन खोलूँ, तुम लोग हिस्ट्री लो, मैं उधर आगे चल के। पूरा स्लम ही है ये सब घर। थोड़ा अजीब भी लगता है कि मतलब ऐसे तो ऐसे स्लम में घुस गया, और मतलब वो लोग अनकंफर्टेबल फील करेगा, कुछ उल्टा पुल्टा बोलना दे हमारे को, थोड़ा अजीब भी लगता है ऐसे। थोड़ी इधर घर है, नहीं जाऊँगा, जा रहे वापस से भी। थोड़ा अजीब है, और हमें जो छोड़ा है ना सब हमें ही देखते हैं, मतलब सब हमें गौर करते हैं, लोग पता नहीं कहाँ से आया है नहीं आया है, बोलते हैं वो लोग लैंग्वेज भी समझ नहीं पाता, दिक्कत होता थोड़ा सा। बाजू वाले कोई नहीं है क्या? उधर है शायद। कौन ये आगे बोला है ना, धूप में क्या हाल हो गया, इतना धूप है ना, पानी पी रहे सुसु भी नहीं आ रहा है, इतना धूप है। मिला इधर बैग है इन लोग के पास, तो इनका मंथली इनकम था 20,000 रुपए, और ये लोग फिर भी स्लम में रह रहे हैं। इतना तो नर्सिंग वाले का भी सैलरी नहीं है। ले लिया पूरा हिस्ट्री। यहाँ पर डिलीवरी, और यहाँ पर डिलीवरी बॉय कितना था इनकम? 25-30 ना, इतना हमारे नर्सिंग का भी नहीं है ना, 25-30 इनका सैलरी है मंथली का, ये लोग स्लम में रह रहे हैं। इतना तो नर्सिंग वाले को वो सैलरी भी नहीं है निकलने के बाद एकदम से ना, वो तो 15-10 में काम करते हैं जीएनएम वाले। बहुत है अच्छा, तू लोग मेन गूगल है क्या? तू लोग मेन गूगल है क्या? पर कभी कभी गूगल मैप्स भी गलत होता है, पता है ना? कभी कभी गूगल मैप्स भी गलत होता है, कहीं और पहुंचा देता है। कल हम लोग गूगल मैप्स क्या पता वुमेन, ओहो वो देख कुछ मैसेज आया है छोटा। अबे हाँ 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 सही है, आज का भी ड्यूटी जैसे तैसे खत्म तो हो गया, लेकिन कल से फिर वही है ना। इसके लिए नीड था 15-20 दिन देने का, 1-2 दिन इनफ था ना, और प्रोसीजर क्या ही ये लोग समझेगा अगर कुछ बोलेंगे इन लोग को मार के, तो कोई नहीं, वही तो लैंग्वेज तो आ रहा है। चलो उधर वो लोग भी वेट कर रहा जाने का। इतना गंदा इसमें लड़ा ना, कोई नहीं, अब यहाँ से सीधे बस में, फिर सीधे कॉलेज, फिर रूम। पूरा दिन का मोमेंट यही सही लगता है ना, जाते टाइम पे सब कुछ दिन ठीक है, जा रहे मजा आ रहा है। चलो उधर से निकला है क्या, इधर से है जाने वाला? घूम घूम के रास्ते में घर भी आ गया मैं, और मैं कॉलेज के बाहर ही उतर गया था, एक्चुअली मेन गेट पे उतर गया था, क्योंकि रीज़न है अगर मैं कॉलेज के मेन गेट पे उतरूँ उतना चल के मेरे को स्कूटर के ऐसे आना पड़ेगा, अगर मैं बाहर उतर जाऊँ उतना ही चल के आना पड़ेगा, तो सेम ही बात है। तो मैं बाहर उतर गया था अभी, और अभी अंदर जा रहा हूँ चल के, मतलब स्कूटी के पास, फिर वहाँ से फिर रूम। और एक इंसिडेंट हुआ, बताता हूँ मैं स्कूटी पर बैठने के बाद क्या इंसिडेंट हुआ है, और फिर आज शायद आज भी शायद ऑनलाइन क्लास ही होगा हमारा, ऑनलाइन क्लास आज भी, और ऑफलाइन क्लास शायद कल से स्टार्ट होगा, ऐसे बोले हैं लेकिन पता नहीं, अब वही होगा जो सोच रहा हूँ मैं, मतलब कल से ऑफलाइन आज ऑनलाइन। मैं जब मतलब हम जब आ रहे थे ना, मैं जो स्कूटी पे इतना धूप है कैसे बैठूँ मैं, जब आ रहे थे ना अभी हमारा जब पोस्टिंग खत्म हो गया, तो हम अपने बस का वेट कर रहे थे, सबके सब उधर सर्कल में खड़े होकर, तो सब वेट कर रहा, हम भी वेट कर रहे, तो मेरे को ना मैम ने बुलाया, तो मैं गया मैम के पास। जब मैं मैम के पास जा रहा था ना, सब मतलब लड़का लोग है बहुत सारे लड़का लोग, जो जिसको मैं लड़का कंसिडर नहीं करता,
वो लोग सब खुश हो रहा है कि राज को बुलाया है, मैं हमने डांटेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। मैं गया सीधा अपोजिट, मैम पूछ रही है यूट्यूब कर रहा है, मैं बोला हाँ। बोला यूट्यूब पे क्या सीन है, कितना क्या है, पैसा वैसा कमाता नहीं कमाता, मेरे से पूछ रही है यूट्यूब के बारे में। उधर सब खुश हो रहा है कि इसको बुलाया है, डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर इतना समझ आ गया कि मैम लोग भी देखता है सर, मतलब उनको ना कोई सोर्स से पता चला, लाइक मैम लोग ने पूछा था कि यूट्यूब कर रहे हैं मैम लोग को भी, तो वो लोग किसी से पूछा था तो उसको दो तीन सोर्स से पता चला कि मैं मतलब राज करता है यूट्यूब, उनसे पूछ ले अच्छा होगा, इसीलिए मेरे को बुलाया था। तो मैं थोड़ा समझा दिया मैम को यूट्यूब करना थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा समझा दिया कि ये सब होता है, मतलब बेसिकली उसको समझाया, जो समझाना था वो मैंने उसको थोड़ा बहुत बोला। और इधर सब खुश हो रहा है कि इसको बुलाया है, पैंट के बारे में बोलेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। और मैम ने मेरे को 1% भी पैंट के बारे में बोला ही नहीं, मतलब मेरे को लिटरली वापस जब आया ना बस में, तो मेरे को लिटरली हंसी आ रहा है। मैं आया, मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि ये सब सीन है, मैं बिल्कुल हंस रहा हूँ बहन चुत। मैं बोलूँ कि ये लोग हंस रहा है, मेरे को बुलाया मैम ने, उसका 1% भी अप्लाई नहीं हुआ। खैर छोड़, अब क्या ही बोल सकते हैं अभी। अब जा रहे रूम पे, फिर वही है कि अब तो धूप है इतना कि बाहर निकलना ही मुश्किल है। बस अब ऑनलाइन क्लास होगा 2 से 4 का, वो अटेंड करना पड़ेगा। बस फिर शाम को फिर जिम निकलते हैं। ऐसा ही 5 बजे जिम आया, 5 बजे पूरा जिम खुला है, तो हमेशा होता है कि आके वेट करना पड़ता है, फिर जिम खुलता है, फिर कॉल वॉल करो, मतलब आज सही है जिम खुला मिल गया। आज जाते फटाफट, आज करते जिम, उसके बाद फिर कहीं और भी जाना है तो वो भी दिखाता हूँ, मैं नहीं भी जा सकता सर, वो तो बात की बात है। चलते हैं फटाफट वर्कआउट करते हैं, फिर मिलते हैं वर्कआउट खत्म होने के बाद। मैं वर्कआउट कर रहा था अभी, मतलब ऐसे जिम में आज, और जिम का ट्रेनर मेरे को इससे पहले बोल दिया था एक दो बार, और आज भी बोला मेरे को फ्रेंड के सामने, मतलब मेरा बैच का एक लड़का वो भी जिम आता है इसी चैनल में, मेरे को बोल रहा है कि रात को तुम कोई ड्रग यूज़ करते हो क्या। मैं बोलूँ कौन सा ड्रग, बोले कि तुम्हारा गाल थोड़ा सा अंदर हो गया, फैट कम हो गया बॉडी का। अब मैं उसको कैसे समझाऊँ कि टूट जाने से पहले मैं थोड़ा फैट लूज कर रहा हूँ बॉडी का, इसलिए थोड़ा सा ऐसे मतलब फेस का स्ट्रक्चर हो गया, जिसको नॉलेज होगा, जिसको पता होगा, जो गिर जाता है ना, जिसको नॉलेज होगा, जिसको पता होगा, उसको पता होगा कि फैट वेट जब लूज करता है ना, मतलब फेस का भी फैट निकलता है, थोड़ा जॉलन वगैरह थोड़ा ये सब आ जाता है, वो कॉमन है ना। अभी कोई नहीं है, मैं 2-3 वर्ष अभी यहाँ से जाऊँगा मैं अंडे के शॉप पे, अंडे लेना थोड़ा सा, और बस किधर है स्कूटी, आज थोड़ा दूर लगाना पड़ा स्कूटी, क्योंकि इधर था उस टाइम पर गाड़ी वाड़ी लगा पड़ा, इसीलिए मेरे को थोड़ा दूर मिला स्कूटी का पार्किंग आज।